में शादी का विज्ञापन देना एक युवती को महंगा पड़ गया। विज्ञापन के माध्यम से विदेश में रहने वाले एक युवक ने युवती से शादी की इच्छा जाहिर करते हुए संपर्क किया और भारत आने की बात कहकर 1 लाख रुपए से अधिक की रकम अपने खाते में जमा करवा ली। इसके बाद युवक ने जब अपना मोबाइल बंद कर लिया तब युवती को ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने इसकी शिकायत पंडरी पुलिस से की है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है। जीवन साथी .com पे शादी के लिए एक प्रपोजल दिया था। उसके बाद उनको एक यूके से एक नंबर से अज्ञात नंबर से कॉल आया और उनसे शादी का प्रपोजल के संबंध में बात हुई। काफ़ी 15-20 दिन बात होने के बाद बात आगे कुछ बढ़ी तो ये इंडिया आए शादी करने के लिए हमसे, जैसा कि प्रत्यक्ष कहना है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या फिर एयरपोर्ट आर्टी कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह से इनको रोक दिया गया था, जो इंडियन करेंसी ना होने तक के इसमें इन्होंने अकाउंट नंबर देखे प्रार्थ्य से 2 या 3 ट्रांजेक्शन में लगभग 1,13,000 रुपये की ठगी कर ली है और किसी प्रकार कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में यूटी ने मामला दिया था जो अपराध पंजीबद्ध किया है। जांजगीर चांपा